नमस्कार, मैं शुभम पांडे स्वागत करता हूं आपका खबरों की खबर में। चलिए शुरू करते हैं। सातवें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मतदान होना है। अंतिम चरण में चुनाव होने के बाद भी अभी इस सीट को लेकर सरगर्मी तेज है। एक तरफ कई बार चुनाव लड़ चुके पीएम मोदी हैं, जो वहीं उन्हें टक्कर देने के लिए मैदान में हां मंडलेश्वर हिमांगी सखी को उतारा गया है, जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। हिमांगी का जन्म बड़ौदा में हुआ था। मुंबई आने के बाद वह इस्कॉन से जुड़ी और वह अलग अलग देशों में रामकथा और भागवत कथा कर चुकी हैं। उन्हें 2019 में महामंडलेश्वर की उपाधि मिली थी। हिमांगी सखी किन्नर महामंडलेश्वर हैं। वहां 5 भाषाओं में भागवत कथा सुनाने के लिए जानी जाती हैं। उन्हें किन्नर समाज के लिए कई बार लड़ते दिखा गया है। हिमांगी सखी ने कहा कि किन्नर समाज को उनका अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए वह चुनावी मैदान में उतरी। प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा अच्छा है, लेकिन किन्नर बचाओ किन्नर पढ़ाओ की आवश्यकता नहीं समझी गई। बीते 27 मार्च को महासभा की उत्तर प्रदेश इकाई के द्वारा उत्तर प्रदेश की लोकसभा 20 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हुई थी, जिसमें वाराणसी संसदीय क्षेत्र ने किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी का भी नाम शामिल था। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वाराणसी में पीएम मोदी की लोकप्रियता के बीच वह चुनावी नतीजों में क्या परिवर्तन ला सकती हैं। तो ये थी आज की खबरों की खबर। जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।